अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और सब खैरियत से। मैं आपको आज कतला मच्छी और रोहू मच्छी का वेट के बारे में बता रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह आप ये लगाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा, ये वेट यूज़ करेंगे तो। सबसे पहले ये कोंडा लेना, कोंडा राइस पॉलिश, इसको राइस पॉलिश बोलते हैं, कोंडा ये लेना। तकरीबन 1 केजी लेना है, 1 केजी, ये 1 केजी लिया मैं कोंडा, ये 1 केजी कोंडा है। उसके बाद ये है मकई, बारीक मकई है, रवा, मकई का रवा है बारीक, ये भी इसमें थोड़ा मिलाना है। एक कटोरी लेने गए, ये एक कटोरी तकरीबन 1/4 किलो, 250 ग्राम, 250 ग्राम ये 1 केजी में मिलाने का पहला। इसके बाद ये है सत्तू पिंडी, ये आंगनवाड़ी में देते हैं छोटे बच्चों को, आंगनवाड़ी में, ये भी 1 कटोरी मिलाने का 1/4 किलो। ये भी 1 कटोरी मिलाने का 1/4 किलो इसमें। फिर ये अच्छे से मिक्स कर लेना, अच्छे से ऐसा इसको मिक्स कर लेना। खूब अच्छे से इसको मिला लेना, मिक्स कर लेना इसको। अच्छा मिक्स होने के बाद हमारी ब्रेड अच्छी रहती, चारा अच्छा रहता हमारा पूरा मिक्स होने के बाद। फिर इसमें थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता पानी मिलाना, इसको अच्छा मिलाना है, ज्यादा पतला नहीं होने देना, ऐसा घट रहना, थोड़ा पतला नहीं होने देना। ऐसा घट आना थोड़ा इस तरीके का, घट थोड़ा मिला देना, ज्यादा पतला नहीं रहना चारा, नहीं तो पानी में जल्दी घुल जाता, इसलिए इसको घट रखने का ऐसा। ये पूरे गोले ऐसे तैयार कर लेना ऐसा इस तरीके के शिकार के लिए। अब जहां पर आप फिशिंग करते हैं वहां पे थोड़ा चारा करने का ऐसा छोटे छोटे गोले बना के थोड़ा फेंकना, वहां पे जहां पे फिशिंग करने का है वहां पे थोड़ा चारा करने का 1 किलो 1.5 किलो ऐसा फेंक देने का, उसके बाद फिशिंग करने का, जब थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता आपको। ये हमारा चारा तैयार हो गया, दोस्तों मैं आपको कुछ सींग छड़ी और फाइबर के कुछ टेक्निक बताऊंगा कैसा फिशिंग करते हैं। ये पॉइंट की सींग छड़ी है, 0 पॉइंट रहता है इसको, 0 पॉइंट ऐसा,
बहुत नाजुक रहती, बहुत बारीकी से शिकार करना पड़ता इससे। मगर इसमें फ़ायदा ये है कि मच्छी खाती ना, जल्दी मालूम होता अपने को। इसमें मच्छी जब मुंह डालती अपना चारा खाती तो उसको तो जल्दी मालूम होता, ऐसा ऐसा शेक होती है मच्छी खाई तो। तो इसको कैसे बनना, कैसे आटा लगाना मैं आपको बता रहा हूँ जी। देखिए ऐसा सात हाथ मिलेंगे, ये गल है, देखिए जो तिग्गी बोलते हैं 05 की गल है ये, 05 पे मार अच्छा बैठता मच्छी को। ऐसा सात लेने का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया पूरा। ये सात रहने के बाद ये देखिए, पहले इसको ऐसा गिट्टी मारने का, 1, 2, 3 गिट्टी मार लेने का, ऐसा 2-3 गिट्टी ऐसा मार लेने का। उसके बाद ऐसा ले करके 1-2-3 गिट्टी मारने का इसको, 1-2 इस तरह मारने का। ये गिट्टी है फिर डुकमे के अंदर डालना है, ऐसा डालने का, ऐसा डाल के फिर ऐसा निकालना है। ये देखिए ऐसा आता, देखिए जब मच्छी खाती तो ये सींग छड़ी जो 0 पॉइंट की ऐसा ऐसा हलती है। छोटी मच्छी ऐसा खाती, बड़ा जो कतला बुच्चा रहता, बुच्चा फिश, कतला फिश, वो ऐसा दबाता इसको, स्पीड दबाता, जब ऐसा झटका मारने का है इसको, ऐसा दबाए जब झटका मारने का है ऐसा। एक बार फिर से देखिए, ऐसा दबाता है बुच्चा, कतला मच्छी ऐसा दबाता, उसके बाद ऐसा मारना झटका। ये इसको आटा लगाने का यहाँ, इसको यहाँ पे गल के ऊपर आटा लगाना है। तकरीबन 1 इंच के ऊपर लगाना आटा है, ऐसा आटा लगाना है। ये गल है, गल के बाद ऐसा आटा लगाने का, ऐसा लगाना गल के पास आटा लगा के फिर फिशिंग स्पॉट पे ऐसा थ्रो करने का। गोली ऐसा ऐसा नहीं फेंके गोली आप लोग, ऐसा पकड़ के ऐसा ऐसा फेंकने का, ऐसा 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 फेंकने का, नहीं तो स्पीड मारे तो गोली निकल जाती। ये है गल से ती ऊपर रहने का, ऐसे ये गल से ती ऊपर रहे तो नहीं रहता, ये हो गया। ये फेंकने के बाद ऐसा ऐसा दबाती है, ऐसा ऐसा प्रेस करती मच्छी जब झटका मारने का इसको। ये 0 पॉइंट की सींग है, 0 पॉइंट की, बहुत नाजुक रहती है। ये पत्थर पे ऐसा नहीं गिरना, पत्थर पे ऐसे गिर टूट जाती है, इसलिए जो है बहुत ही हिसाब से खेलना है उसको। ऐसा दबाती मच्छी जब भी आप इसको हुक करने का है, झटका मारने का, पीछे डोरा बन के रखना, पीछे डोरा बन के रखना पड़ता है मच्छी को, छड़ी को, क्यों बोले तो बड़ा मच्छी अगर, बड़ी मच्छी अगर हुक हुआ तो उसको ढील देने के लिए पीछे डोरा रखना पड़ता। डोरा रख के फिर उसको थका के पानी पिला के मच्छी को निकालना पड़ता, अगर बड़ी मच्छी है तो। छोटी है तो जल्दी आती, बड़ी को ज़रा टाइम लगता आने। ऐसा ये है, ये 0 पॉइंट की सींग है दोस्तों, ये 0 पॉइंट की सींग है दोस्तों। आटा ऐसा लगाने का, थ्रो करने का,
मच्छी जब खाती तो ऐसा हुक करने का स्पीड ये हो गया। अभी इससे पहले मैंने आपको सींग छड़ी के बारे में बताया, अभी ये फाइबर छड़ी के बारे में बता रहा हूँ। सेम ऐसी गिटी मारी इसको, एक दो तीन गिटी मारने का, मार के फिर ऐसा डबल लेने का, ऐसा ऐसा डबल लेके फिर इसको एक गिटी मारने का, ऐसा ये देखिए ऐसा मार लिए, ऐसा ऐसा गिटी मारने के बाद ऐसा होता सेम ऐसी गिटी मारना, इसको दो तीन गिटी मारने के बाद ऐसा पकड़ना, इस टाइप में आता है ऐसा। उसके बाद इसको एक गिटी मारने का, ऐसा एक बार इसमें से ऐसा लेना है गिटी, लेने के बाद ऐसा हो जाता। ऐसा आता है, ऐसा रिंग होने के बाद ये फाइबर की छड़ी है, फाइबर है ये। इससे पहले मैंने आपको सिंग छड़ी के बारे में बताया, अब ये फाइबर छड़ी है। फाइबर को रिंग पे खेलते हैं, रिंग बना के खेलते हैं, ऐसा मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए ये इसमें से ऐसा डालना, इसमें लुकमे के अंदर से डालना पड़ता है, इसे डाल दे के फिर ऐसा ला के ऐसा छड़ी से, ऐसा छड़ी के अंदर से डाल के ऐसा निकालना। ऐसा डाल ऐसा रहता है, यूँ मच्छी जब खाती तो ऐसा ऐसा प्रेस होता है रिंग, मच्छी खाया जब ऐसा रिंग प्रेस होता है, जैसा ये इस तरह प्रेस हुआ बोले तो आपको सीधा ऐसे झटका मारना है, उठाने का है, खाया जब ऐसा झटका मारने का रहता है। आएगा दोस्तों समझ में, ये देखिए ऐसा ऐसा खाती है मच्छी, इसे झटका मारने का है। इसको भी वैसे सेम आटा लगाना जैसे पहले बताया था, सेम उसको वैसे आटा लगाना, सेम आटा इसको वैसे लगाना जैसे पहले बताया मैं। सिंग छड़ी को वो सिंग अलग है, पॉइंट पे खेलना पड़ता, और इस पे जो है ये रिंग पे खेलना पड़ता, ये रिंग रहता, ये रिंग पे खेलना पड़ता। रिंग में क्या है, रिंग प्रेस होता रहता है जब भी झटका मारने का। दोस्तों ये फिशिंग राड है, चरक है ये, इस पर गुच्छा गल लगा के शिकार कर सकते हैं आप लोग। मैं बता रहा हूँ इसको कैसे करना, देखिए इसको गुच्छा गल आता है ऐसा, ये देखिए ये गुच्छा गल है, कतले के वास्ते गुच्छा गल है ये, बड़ी मच्छी इसको हुक करती इसके वास्ते है। बच्चे के गला है कतले फिश के, कतला फिश पकड़ने के वास्ते ये गला है, इसको लड्डू बना के डालना पड़ता। देखिए पहले इसको हम बन लेंगे यहाँ पर ऐसे, ऐसा बन लिए, बनने के बाद ऐसा ये हो गया। ये हो गया, ये बन लिए, बनने के बाद ये हुका को ऐसा कर लेना, यूँ सीधा कर लेके इसके अंदर एक लड्डू लगाना, चारे का एक लड्डू का टुकड़ा ले लेके छोटा ऐसा इसके बीच में रखना। देखिए इसके बीच में रखना ऐसा, इसके बीच में रख दे के पूरे गला इसमें छुपा देना ऐसा। देखिए
ऐसा लड्डू तैयार होता है, इसके अंदर पूरे गला रहते हैं बैठे हुए। नहीं, थोड़ा और ले लीजिएगा। इसको थोड़ा अच्छा प्रेस कर लीजिए ऐसा। लड्डू तैयार हो गए। ऐसे लड्डू तैयार हो गए। अब इसको कम से कम एक 15-20-25 बम तक इसको थ्रो करना, थोड़ा दूर फेंकना है इसको पानी में। फेंकने के बाद ये नीचे जाता, ऐसा रहता। उसके बाद ये जो चरक है इसको लूज कर दीजिएगा, क्योंकि तो मच्छी जब लेके भागती तो चरक खुलता, ऐसा मच्छी हुक करती चरक ऐसा खुलते रहता। फिर आप ये चरक टाइट करके फिर इसको जो है हुक करिए मच्छी को। इस तरीके ये लड्डू के ज़्यादातर ये कलकत्ता में लोग शिकार करते हैं इसका। कलकत्ता बंगाली लोग पूरे इसी हुक पे शिकार करते हैं। ये हुक हमारे पास है, सिंग छड़ी भी हमारे पास मिलती, हर टाइप के तात, फिशिंग लाइन और खारू गल, छोटे गल और ऐसे बुच्चों के कुछे गल सब हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको होना तो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर रहता है स्क्रीन पे। हमारी वीडियो आपको कैसा लगी है शेयर कीजिए, हमारा चैनल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ अगर पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट में आके पूछ सकते हैं आप। ये लड्डू का अच्छा रिस्पांस है, इस पर आप खेलिए, बड़ा कदला लग सकता है इसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, ऐसा रहता। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कोटला फिश हंटर, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।